हेलो स्टूडेंट्स, सर्कल चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, उसी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कल का आर्क। ठीक है, आर्क क्या होता है उसको देखते हैं। इसके लिए हम देखते हैं, कोई भी हमने सर्कल लिया मान लो, और उसका कुछ पार्ट हमने कट कर दिया। ठीक है, जैसे ये सर्कल है और इसका मैंने इतना सा पार्ट इसमें से कट कर दिया। तो ये जो पार्ट हमने कट किए हैं, तो इससे क्या हुआ, सर्कल के दो पार्ट हो गए। एक तो ये हुआ और एक ये वाला हो गया, इधर वाला बड़ा। तो इन पार्ट को ही हम लोग बोलते हैं आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस सर्कल को हमने यहाँ से कट किया और यहाँ से कट कर दिया, तो ऐसे ही हो गए, ये दो पार्ट बन गए। तो इन दो पार्ट को ही हम लोग सर्कल बोलते हैं। मतलब जैसे कोई भी चीज़ है उसके दो पार्ट कर दिए तो उसके पार्ट होते हैं, वैसे ही सर्कल के भी हमने अगर दो पार्ट कर दिए तो उन पार्ट को हम लोग बोलते हैं आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, ठीक है। तो जो इसके दो पार्ट होंगे, एक छोटा एक बड़ा, या दोनों बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे इनके नाम रखे गए हैं। अगर एक छोटा एक बड़ा है तो उनको मेजर माइनर बोलेंगे, बराबर है तो सेमी सर्कुलर बोलते हैं। ठीक है, तो आर्क क्या होता है समझ में आ गया, सर्कल के पार्ट उसको हम लोग आर्क बोलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं मेजर और माइनर आर्क किसको बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट डायग्राम हम देख रहे हैं, तो ये एक्स और वाई हमने लिए ताकि इनमें हमको आर्क के नाम लिखने में कन्फ्यूजन हो। जैसे हम ये पार ये वाला जो होगा इसको हम बोलेंगे ए एक्स बी। ठीक है, ये वाला आर्क जो आएगा इसको हम बोलेंगे ए एक्स बी, और इस वाले आर्क को बोलेंगे ए वाई बी, क्योंकि दोनों अगर ए बी बोलेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन सा ए बी। ठीक है, इसके लिए हमने एक्स और वाई लिया, और कुछ भी नहीं। तो अगर ये हम फर्स्ट डायग्राम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो जो ए बी मेरा क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, ये कॉर्ड तो समझ में आता है। और डिवाइड द सर्कल अलोंग साइड इंटू टू पार्ट्स। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर एक नीचे वाला। ऑफ दीज आर्क ए एक्स बी इज स्मॉलर। ठीक है, इसमें ए एक्स बी स्मॉलर है, और तो इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। ठीक है, माइनर आर्क क्यों बोला, क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, छोटा था इसीलिए माइनर आर्क, स्मॉलर मतलब माइनर। ठीक है, माइनर को ही हम लोग स्मॉल भी बोलते हैं। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा छोटा बड़ा, वो देख के पता चलेगा, दिख रहा है अपने आप ये स्मॉल है ये बड़ा वाला है। ठीक है, और आर्क ए वाई बी जो है, ए वाई बी ये वाला वो बिगर है, सो इस इज कॉल्ड द मेजर आर्क। ठीक है, तो छोटे वाले को माइनर आर्क और बड़े वाले को मेजर आर्क। ठीक है, तो माइनर आर्क ए एक्स बी इज ऑल्सो एक्सप्रेड एज आर्क ए बी। ठीक है, मतलब हम इसको ओनली माइनर आर्क है तो उसको हम ए बी बोलेंगे, इसका मतलब है कि वो माइनर आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो माइनर मेजर में समझ में आ गया, जो छोटा वाला होगा उसको माइनर बोलेंगे, बड़े वाले को मेजर बोलेंगे। ठीक है, अब अगर हमने सर्कल को एकदम बीच से कट कर दिया तो फिर दोनों बराबर होंगे उस केस में, तो जितना पार्ट इधर है उतना इधर है, तो फिर उस केस में माइनर मेजर नहीं हटता है, फिर नया सब एक नया वर्ड आ जाता है, उसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर आर्क्स। ठीक है, तो इन द फिगर अलोंग साइड द कॉर्ड आर टी इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहाँ पे जो कॉर्ड है वो मेरा डायमीटर ही बन गया, क्योंकि वो सेंटर से पास कर रहा है यहाँ से। तो इस बार जो सर्कल के जो आर्क बने हैं, द डायमीटर गिव्स राइज टू इक्वल आर्क्स, दे आर कॉल्ड सेमी सर्कुलर। तो इस बार अगर मेरा जो था कॉर्ड वो सर्कल डायमीटर बन गया, और डायमीटर बना तो उसने दोनों जो आर्क थे उनको इक्वल इक्वल बना दिया। अब इक्वल बना दिया तो किसको मेजर किसको माइनर बोले, उस कन्फ्यूजन को हटा के उसको क्या बना दिया, सेमी सर्कुलर मतलब हाफ सर्कल बना दिया ना, हाफ सर्कल में बट गया, इसलिए उनका नाम हाफ सर्कल या सेमी सर्कुलर आर्क रख दिया। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना कि अगर बराबर इक्वल पार्ट में हुआ तो, या दोनों बराबर हुए तो उनको हम क्या बोलेंगे। तो दोनों अगर इक्वल हुए तो सेमी सर्कुलर, और छोटे बड़े हुए तो माइनर मेजर। ठीक है, सेमी सर्कुलर के केस में मेजर माइनर नहीं आते हैं। ठीक है,
चलिए तो ये हो गए हमारे आर्क के टाइप। तो एक तो माइनर हो सकता है, मेजर हो सकता है, या फिर सेमी सर्कुलर। तीन तरह के आर्क हम लोग बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंट्रल एंगल एंड द मेजर ऑफ एन आर्क। ठीक है, सेंट्रल एंगल क्या होता है और हम लोग जो आर्क हैं उनका मेजरमेंट कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो इसमें हम लोग को डायग्राम कहाँ पे है, डायग्राम ये है। ठीक है, ये डायग्राम है, एक सर्कल बना हुआ है, ओ से हमने दो लाइनें खींची हुई हैं, एक तो ओ से ए, एक ओ से बी। ठीक है, तो इसमें क्या देखो, इन द फिगर ओ इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल ए हो बी। ठीक है, अगर हम इस सर्कल को भूल के हम लोग केवल एंगल की बात करें तो ये ए ओ बी एक एंगल बन रहा है जिसमें ओ क्या हो गया वर्टेक्स, एन एंगल हुज वर्टेक्स इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ऐसा कोई एंगल जिसका वर्टेक्स सेंटर ऑफ अ सर्कल हो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। ठीक है, मतलब जो एंगल, अगर दूसरे तरीके से बोले कि जो एंगल सर्कल के सेंटर पे बन रहा है उसको हम लोग सेंट्रल एंगल बोलते हैं। ठीक है, सेंटर पे बनने वाला एंगल सेंट्रल एंगल, सिंपल। ठीक है, अगर हम मान लो ये एंगल हम लोग यहाँ बनाएंगे जेड पर तो वो सेंट्रल एंगल नहीं होगा, जो सेंटर पे बनता है उसको सेंट्रल एंगल, तो सेंटर सेंट्रल। ठीक है, तो सेंटर पे बनने वाले एंगल को सेंट्रल एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल समझ में आ गया हो। अच्छा, बहुत सारे सेंट्रल एंगल हम लोग बना सकते हैं, इधर से एक लाइन जा रहा है, इधर से एक लाइन जा रहा, ये भी एक सेंट्रल एंगल होगा क्योंकि ये भी सेंटर पे बन रहा, और इस लाइन और इस लाइन के बीच वाला एंगल वो भी सेंट्रल एंगल हो जाएगा, इस लाइन और इस लाइन के बीच वाला एंगल भी सेंट्रल एंगल। तो ठीक है, तो सेंटर पे जितने भी जो भी एंगल हम बना सकते हैं उसको हम बोलेंगे सेंट्रल एंगल। ठीक है, चलिए द एंगल ए ओ बी इन द फिगर इज द सेंट्रल एंगल। ठीक है, समझ में आ गया एंगल, और क्रोस्पॉन्डिंग टू आर्क ए जेड बी। ठीक है, अब इसके साथ हमको उसका जो आर्क है वो किस आर्क में बन रहा है वो भी लिखना जरूरी है। तो हमारा जो एंगल ए ओ बी है वो इस वाले आर्क में बन रहा है, माइनर आर्क में। ठीक है, माइनर है क्योंकि छोटा है, तो वो बन रहा है एंगल आर्क ए जेड बी में। ठीक है, एंगल ए ओ बी हमारा बन रहा है ए जेड बी में, क्योंकि हम लोग एक एंगल ए ओ बी अगर बोलेंगे तो वो ये वाला एंगल भी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल भी ए ओ बी ही है, बट वो इस वाले आर्क में, इसलिए आर्क का नाम लिखना जरूरी था। तो क्रोस्पॉन्डिंग टू आर्क ए जेड बी में। ठीक है, चलिए ये तो हो गया सेंट्रल एंगल। ठीक है, अब इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क इज टेकन टू बी द मेजर ऑफ द आर्क। ठीक है, जो सेंट्रल एंगल बन रहा है जिस आर्क में, उस सेंट्रल एंगल का वैल्यू ही उस आर्क का मेजरमेंट होता है। ठीक है, कैसे, मान लो हमने आर्क लिया ए जेड बी, तो ए जेड बी जो आर्क है उसके रेस्पेक्ट में सेंट्रल एंगल क्या है, ए ओ बी। तो जो ए ओ बी का वैल्यू होगा वही मेरा मेजर ऑफ आर्क ए ओ बी हो जाएगा, यही इसका मीनिंग है। ठीक है, तो हमको आर्क का मेजर करने के लिए उसके कोरस्पोंडिंग जो सेंट्रल एंगल बन रहा है उसका वैल्यू निकालना है, वही उस एंगल का, सॉरी उस वही उस आर्क का मेजर हो जाएगा। तो मेजर ऑफ आर्क क्या होता है, उसके कोरस्पोंडिंग सेंट्रल एंगल का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ए ओ बी जो एंगल आएगा वही मेरा मेजर ऑफ आर्क ए जेड बी होगा। ठीक है, तो हम लोग अब इसका मेजरमेंट करते हैं आर्क का। तो आर्क दो होंगे, मेजर माइनर वाले पहले बात करते हैं। तो माइनर आर्क अगर है तो उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमको डायग्राम चाहिए। तो हमने ये डायग्राम बना दिया यहाँ पे, इसके दो आर्क क्या हो गए, एक तो हो गया ए वाई बी ए वाई क्यू, ये हो गया माइनर आर्क, और ए एक्स क्यू हो गया मेजर आर्क। तो हमने माइनर आर्क का मेजरमेंट चाहिए, तो माइनर आर्क के क्रोस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल क्या है, ए ओ क्यू, उसका मेजरमेंट या तो गिवन होगा या हमको निकालने का कुछ तरीका होगा। तो यहाँ पे गिवन है तो 70 डिग्री, तो 70 डिग्री जो है वो माइनर आर्क के क्रोस्पॉन्डिंग
सेंट्रल एंगल है, इसलिए मेजर ऑफ माइनर आर्क कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, यही सब लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, इन द फिगर अलोंग साइड द मेजर एंगल ए ओ क्यू 70 डिग्री, द मेजर ऑफ माइनर आर्क ए वाई क्यू इज 70 डिग्री। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम लोग मेजर ऑफ, मतलब मेजर ऑफ आर्क ए वाई क्यू इक्वल टू 70 डिग्री, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, जो माइनर आर्क है उसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल का वैल्यू उसका मेजर होगा। अब हम लोग आते हैं मेजर आर्क पे। तो देखो मेजर आर्क को निकालने के दो तरीके हैं। ठीक है, मेजर ऑफ द मेजर आर्क इक्वल टू कितना लिखा है 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क, एक तो ये तरीका हो गया, या फिर मेजर आर्क के करस्पॉन्डिंग जो एंगल बन रहा है उसका वैल्यू, तो उसको निकालने के दो तरीके, या तो हमको डायरेक्ट ये गिवन हो, ठीक है, या तो हमको ये डायरेक्ट गिवन चल कर दिया तो यही मेरा मेजर आर्क हो गया, या फिर हमको ये एंगल दे दिया इधर वाला तो हम 360 में से उसको माइनस करके ये वाला पार्ट निकाल सकते, क्योंकि टोटल ये 360 होता है पूरा एक राउंड, तो उसमें से ये पार्ट हमको पता है तो इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो माइनर आर्क मेजर आर्क के मेजर का मतलब निकल आ गया होगा, उसके जो एंगल बन रहे हैं उन्हीं का वैल्यू हमको मेजर ऑफ आर्क बोलते हैं। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 290 डिग्री, इसलिए मेजर ऑफ मेजर आर्क कितना हो जाएगा 290 डिग्री। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 70 डिग्री है तो इधर 290 डिग्री बचेगा, क्योंकि पूरा कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, हमको ये नहीं दिया है तो इसको देना पड़ेगा। चलिए मेजर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, मेजर ऑफ अ सर्कल मतलब एक फुल आर्क दे दिया हमको, सर्कल ही एक आर्क है पूरा, तो उसका हमको कैसे निकालेंगे, ये जो है ये मेजर ऑफ आर्क, तो उसको हम क्या निकालेंगे, वो तो पूरा 360 डिग्री होगा, तो मेजर ऑफ सर्कल इज होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, व्हेन रेडियस ओए ऑफ अ सर्कल टर्न्स एंटी क्लॉक वाइज एज शोन इन द फिगर अलोंग साइड थ्रू अ कंप्लीट एंगल इट टर्न्स थ्रू एन एंगल दैट मेजर्स 360 डिग्री। ठीक है, वन राउंड कंप्लीट करने पे 360 डिग्री एंगल बनता है। इट्स एंड पॉइंट ए कंप्लीट्स वन सर्कल द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द सर्कल इज 360 डिग्री। ठीक है, मतलब हम लोग क्या किए, यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से राउंड किए, राउंड किए, राउंड किए, और फिर यहीं पे आ गए, तो ये हमारा वन राउंड कंप्लीट हो गया, तो वो एक एंगल भी बन गया, तो उस एंगल का मेजरमेंट 360 डिग्री, इसलिए मेजर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा काम आ गए ना, बट हमको याद रखना चाहिए कि वन राउंड में कितना एंगल बनता है 360 डिग्री। ठीक है, अब मेजर ऑफ सेमी आर्क सर्कुलर आर्क, ठीक है, सेमी सर्कुलर भी एक आर्क होता है, उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके केस में पहले सेमी सर्कुलर आर्क बनाएंगे, तो ये बन गए। ठीक है, इस बार कोड जो होगा वो सेंटर से पास करेगा, तो हमको एक तो इस एंगल का वैल्यू चाहिए, इस एंगल का वैल्यू, तो इसको निकालने के दो तरीके हैं, टोटल कितना होता है 360, उसका हाफ कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो दोनों बराबर बराबर, तो 180 डिग्री 180 डिग्री इनका सेमी सर्कुलर आर्क का मेजर हो जाएगा। ठीक है, तो वही होगा, नाउ लुक एट द फिगर टू डिटरमाइन द मेजर ऑफ, ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, अगर एंगल पड़ा हुआ है तो एंगल में हमने ये पढ़ा था कि ये एंगल जो होता है स्ट्रेट लाइन एंगल वाला, ये वो 180 डिग्री होता है, तो ये 180 डिग्री और नीचे वाला भी 180 डिग्री, तो सेमी सर्कुलर आर्क का मेजर कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे हुए आर्क, ठीक है, आर्क और उनका मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल का वैल्यू ही मेजर ऑफ डेट आर्क होता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है कि मेजर और एंगल क्या आ रहे हैं। ठीक है, आर्क का मेजरमेंट ही एंगल ऑफ मेजरमेंट होता है। ठीक है,